I welcome you all this, welcome you all for this training on beekeeping. Mr. Prashant ji is here for discussing about beekeeping. Without taking much time, I will like briefly tell you about our institutes are actually. Actually, we are an extension wing of our ICR institute, Central Coast Agriculture Research Institute, where we take technologies developed by our institute to the farmers. One of them is, of course, beekeeping. For the last 10 to 12 years, we are already doing this. Many have started, many trainers are doing, very good training is going on. Even many successful farmers are there who are doing very well. Today you are with us. Let us hear from you only. I will not take much time. Once again, I welcome you all to this program. I request Prashant ji to take over the session. साउथ बॉडी है तो मेरा नेटिव साउथ बॉडी है बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ और लास्ट 22 इयर्स से मधुमक्खी पालन यानी इस विषय में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रेजेंटेशन में सब कुछ बातें आ जाएगी. लास्ट मंथ में मैं एक इवेंट के लिए यहाँ पे गोवा में था और निर्मल भाई जी मुझे मिली थी और डॉक्टर साहब मिले थे, बैठे मिले थे और उन्होंने हमारी चर्चा काफी हुई. एक दो घंटे यहाँ पे बैठक जी बैठी है, उनके साथ ही चर्चा हुई थी. तो गोवा के लिए बीकीपिंग किस तरह से किया, काफी सर ने कहा कि काफी सारे प्रयास इससे पहले भी आईसीआर रहेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहेगा, नेशनल बी बोर्ड है, इन्होंने किए हुए हैं. मैंने खुद प्रोग्राम यहाँ पे नेशनल बी बोर्ड के भी दिए हुए हैं. लेकिन बीकीपिंग जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से बढ़ा नहीं है. इसके पीछे के कारण क्या क्या है, किस तरह से, ये हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे. लेकिन आज भी मधुमक्खी पालन क्या है इसके बारे में लोगों को काफी कम जानकारी है. आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा वो ओवरऑल है, जिसमें मधुमक्खी बीकीपिंग क्या है, हम क्या कर सकते हैं और आगे गोवा के लिए हम क्या क्या अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करेगी, किस तरह से इसको हम लेके जा सकते हैं, इसके बारे में कुछ छोटा सा एक्शन प्लान भी आज बनाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है. आज अभी मुझे थोड़ी देर पहले हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी फोन आया था कि 19 तारीख को 19 को अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम फार्मर्स के लिए किया गया है. अभी तक 30 फार्मर ने उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया हुआ है तो उसके लिए भी मुझे आमंत्रित किया गया है. यानी इसका मतलब ये होगा कि फार्मर्स यूथ और यहाँ के ग्रोएकर चाहते हैं कि मधुमक्खी पालन के ऊपर हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम बढ़ना चाहिए. तो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या है. ये स्लाइड्स इंग्लिश और मराठी ये दोनों में है और मैं हिंदी में ज्यादा बातें करना चाहूंगा. मैं फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, इंग्लिश मेरा इतना अच्छा नहीं है. दैट्स व्हाई. तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू हनीकीपिंग इंडस्ट्री एंड अपॉर्चुनिटीज, इसके बारे में. यानी मधमाशा पालनातून शेती विकास आणि जंगल संवर्धन या संदर्भात आपण बोलणार आहोत आणि उद्योगाच्या संधी शासन पॅटर्न म्हणतात त्या संदर्भातल्या आहेत. मैं प्रशांत और मेरे जो पहचान है, ये पहचान ये है कि मैं अभी कंपनी गढ़चिरोली महाराष्ट्र, इसका मैं सीईओ करके मैं काम देख रहा हूँ. अभी कंपनी, ये जो कंपनी है ये हमने एस्टैब्लिश जस्ट अभी की है. एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप है और वो प्रोप्राइटरशिप शिल्पा जी चला रही है. मैं काफी 22 साल से वहां पे अध्ययन कर रहा हूँ रॉकबीज के बारे में. रॉकबीज यानी डोरसा का वो बीज कैसी होती है, क्या उसके फोटोग्राफ्स आपको आगे दिखेंगे. तो वहां पे अध्ययन चल रहा है, डेंस फॉरेस्ट है वहां पे, अच्छा हनी का कलेक्शन भी होता है वहां पे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारे कृषि विज्ञान वहां का केंद्र है, साथ में केवीएससी केवीआई भी है. इन सभी ने मिलकर वहां पे प्रयास किया हुआ है. तो अब भी कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है कि वहां की जो ट्राइब्स है वो ट्राइब्स अदर एक्टिविटी में ज्यादा है. आपको बताऊंगा वो गढ़चिरोली एरिया दक्षिण एरिया के बारे में काफी सारा जाना जाता है. आज भी वहां पे एक्टिविटी बहुत ही जोरों पे है. तो लोग कुछ पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए फॉरेस्ट की अदर एक्टिविटीज में घुस जाता है. उनको मेन स्टेपल लाना ये गवर्नमेंट का बहुत महत्वपूर्ण काम है. तो उनको हम ट्रेनिंग देता है स्पेशली फॉर रॉक बीज के लिए, सिराना इंडिका के लिए और फिर कुछ मेरी तरह माइग्रेटरी बीकीपिंग के लिए. तो इससे ये प्रयास हुआ है और पहली बार वहां के लोगों ने काम भी किया है. ऑल इंडिया लेवल के ऊपर वो जाके उन्हें कमर्शियल बीकीपिंग भी कर रहे हैं, साथ में रॉक बीज का मनी भी वो कलेक्शन कर रहे हैं. तो उस कंपनी का एज सीईओ करके मैं थोड़ी देर के लिए मैं उनका काम भी संभाल रहा हूँ. लोगों को ये मैं बता भी रहा हूँ कि किस तरह से इसको आगे लिया जा सकता है. सहयोग परिवार मुंबई करके एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंने 30 साल पहले शुरू किया था.
संयुक्त परिवार एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, चैरिटी कमीशन अंतर्गत है, और हमारा एक बेसिस का एक महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं इस पे। तो मुझे काम करना है संयुक्त में, तो मैं मेरे पॉकेट में पेन है, पेपर है, जो भी है, मनी है, मैं इसमें डालूंगा, वॉलंटियर बेस के ऊपर काम करूंगा। इस तरह से यह हमारी एक्टिविटी लास्ट 30 साल से फिर भी आ रही है। हम 9 राज्यों में मधुमक्खी पालन के ऊपर और ग्रामीण विकास इस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, फार्मर इनको लेकर हम काम करते हैं महिलाओं के साथ में। हमारा अगर वर्किंग एरिया देखा जाए तो एमपी, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आसाम, महाराष्ट्र, इस एरिया में हमारा काम अभी बढ़ रहा है काफी पैमाने पे। हम हमारा जो मेन ये फोकस है, ऑब्जेक्टिव है, वो महिला फार्मर्स यूथ इनके लिए सक्षमीकरण करना यानी एम्पावरमेंट उनके लिए हमारा मेन महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यहाँ तक के हमने मधुमक्खी को बिना मारे हुए रॉबीज के ऊपर हनी कैसे कलेक्शन किया जाता है इसके ऊपर काफी सारा काम किया हुआ है। अगर महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हो तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट करके एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट के साथ मिलकर हमने एक एक्टिविटी की थी वहां पे। आज के डेट में 90,000 केजी हनी हर 3 महीने में, यानी सॉरी 3 मंथ में, ये जो अभी समर के सीजन होता है उसमें पलाश के फूल आपको पता होगा उसका हनी कलेक्शन करके वो फाइबर्स अभी जापान में उसको सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये अच्छी ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैंने जस्ट छोटा सा बीए किया था लेकिन हॉबी करके भी इस क्षेत्र में गया और मैंने अलग अलग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के साथ में किए, जैसे कि क्यूएसआर लैब जर्मनी जो है, आपको पता होगा 2014 में इंडियन हनी बैन हुआ था और वो बैन होने के बाद हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडियन गवर्नमेंट ने शुरुआत की, जिसमें जर्मनी ने काफी अच्छा हमें सपोर्ट किया था, जिसमें छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेके बी कीपर से लेके अलग अलग गवर्नमेंट के स्टाफ भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसमें मेरा एक गठन किया, मैं खुद था उसमें मेरे काम का सारा किया है। सीबीआईटी पुणे के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, वहीं से मेरी शुरुआत एबीसीडी मधुमक्खी पालन की वहीं से 30 साल पहले हुई थी, उनका मास्टर ट्रेनर में काम कर रहा हूँ। साथ में नेशनल बी बोर्ड जो है हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन तरफ आता है, उनके साथ में 9 राज्यों में मधुमक्खी पालन के ऊपर मैं मास्टर ट्रेनर के काम कर रहा हूँ। राइट, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा है। अभी तक मैंने अलग अलग गवर्नमेंट के साथ काम किया है, मैंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का रोड मैपिंग किया था मधुमक्खी पालन के ऊपर, तो उसके बारे में मुझे सम्मान किया गया था। अभी जस्ट मैं काम कर रहा हूँ आसाम में, तो आसाम में काम अलग सा है मेरा, वहाँ के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में मिलकर मधुमक्खी पालन और आसाम गवर्नमेंट के साथ में हम कुछ एक्टिविटीज वहाँ पे भी हमने शुरुआत की है। थोड़ा सा काम महाराष्ट्र का थोड़ा अलग सा काम है। महाराष्ट्र में आपको पता होगा संत ज्ञानेश्वर की एक 300 साल से एक यात्रा चलती आ रही है पंढरपुर के लिए, तो काफी सारे लोग उस यात्रा में कम से कम 20-25 दिन चलते हैं और चल के जाके विधवा को दर्शन देते हैं। तो उसमें देखा जाए तो फार्मर बहुत ही ज्यादा होते हैं, ये सिर्फ फार्मर महाराष्ट्र के नहीं होते हैं, 3-4 राज्य के मिलकर फार्मर्स आते हैं, नॉट ओनली 3-4 राज्य, देश भर से लोग आते हैं, इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आते हैं उस यात्रा के लिए। तो 300 साल से लोग पैदल चले जाते हैं, एक अलग सा आध्यात्मिक उसमें होता है। लेकिन हम उसमें आपको देखा होगा हम इस तरह से ट्रक को डिजाइन करते हैं जिसमें मधुमक्खी पालन के ऊपर काफी सारी जानकारी होती है, हम फार्मर को इंट्रैक्शन करते हैं कि मधुमक्खी पालन क्यों जरूरी है, क्या करना चाहिए। तो लोग हमें बोलते हैं कि मैं जब बचपन में था तब वहां पे काफी सारी मधुमक्खी दिख रही, आज उतनी मधुमक्खी दिख नहीं रही है, उस टाइम का फार्म का इट और आज टाइम का फार्म का इट काफी कम हो गया है, उस टाइम में मधुमक्खी ज्यादा थी तो फार्म का इट, ये फार्मर्स हमारे साथ इंटरेक्शन करना हमने शुरू किया है। तो अभी तक 5,500 फार्मर हमें मिले हैं, उनका एक डाटा कलेक्शन हमने करके रखा है अलग अलग एरिया से आए हुए, तो वहां पे कितनी मधुमक्खियां पहले थी, क्या थी, आज डेट में क्या हो रहा है, वो मधुमक्खी पालन करने के लिए इंटरेस्टेड क्या। तो ऐसा अलग सा काम कुछ हम लोग इस बारे में करते आ रहे हैं। सतना एग्रोड करके एक न्यूज पेपर है आशिया का, उसमें लिप्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नामांकन भी हुआ है, उसको सम्मानित किया गया है। तो ये सतना एग्रोड में मैंने 2017 में एक आर्टिकल्स काफी सारे लिखे थे, 42 आर्टिकल्स की एक सीरीज लिखी थी जिसमें मधुमक्खी क्या है से लेके क्या क्या कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में मैंने काफी सारे लिखे हुए। तो ये भी थोड़ा सा फसली के माध्यम से मैंने काम किया था।
देखा जाए तो अभी तक हमने एक्टिविटी हमें देखा तो मोर देन 3500 प्लस लोगों को मधुमक्खी पालन के ऊपर वन टू वन जाकर हमने काम किया है। हम एनवायरमेंट कंजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा मेन मोटो है कि काम करना है तो एक ही बार देखिए ट्रेनिंग देखिए होने वाला नहीं, आज हम काम की शुरुआत करना है। तो इसके बाद मैंने मैडम से भी बात की, डॉक्टर साहब से बात की, जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे इन्होंने ये मीटिंग मैनेज करने की कोशिश की थी, हम सिर्फ एक मीटिंग लेके सिर्फ एक दो घंटे की चर्चा करके रुकेंगे नहीं, तो आगे के 3-5 साल हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ में है सर, आज छुट्टी होने के बावजूद भी यहाँ पे हमारे साथ में खड़े हैं, तो गवर्नमेंट आपके साथ 24 घंटे रहेगी। हम सब मिलकर एक्शन प्लान बनाएंगे आगे के 3-5 साल का गोवा के लिए, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे मुझे हॉबी करके आना है, कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे कि नहीं मुझे है फार्म डेवलपमेंट के लिए मुझे काम करें, मेरी खेती में 20 अगर रहेंगे तो मेरा फार्म का एट कितना बढ़ जाएगा, मेरा मैंगो कितना बढ़ेगा, मेरा कैश कितना फायदा होगा, इसके लिए हम काम करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, तो मैं बी कीपिंग प्रशांत सर कर रहे हैं वैसे माइग्रेटरी बी कीपिंग कर सकता हूँ, मैं गोवा का हूँ लेकिन मैं राजस्थान में जाऊँगा वहाँ सारी कलेक्शन होगा उसको मार्केटिंग भी मैं गोवा में पैसा होंगे। गोवा जो है वो अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं, तो हनी मार्केटिंग भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इस तरह से एक्शन प्रोग्राम बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग अलग एक्टिविटी के ऊपर हमने अभी तक काम किया है। मराठी महापाल हुए तो अभी वेलकम टू हनी बी वर्ल्ड, मधुमक्खी के बारे में थोड़ी जानने की भी कोशिश करेंगे। एक सवाल आता है कि इस पृथ्वी के ऊपर इंसान पहले आया या मधुमक्खी पहले आया, तो देखा जाए तो हम अगर देखते हैं तो मधुमक्खी का इतिहास काफी पुराना है मनुष्य प्राणी से लेके पहले, इसके कुछ फुटप्रिंट्स हमारे पास मिलते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि सबसे पहला मीठा पदार्थ जो खाया मनुष्य प्राणी ने वो हनी था, और इसका इसके बारे में भी रिकॉर्डेड कहीं ना कहीं पे किया गया है। स्पेन में देखा जाए तो 7000 BC पहले कुछ चित्र है वहां पे मिलते हुए कि जिसमें बताया जाता है कि मधुमक्खी में हेफ के अंदर से मधु निकाला जा रहा है, कोई तो मधु निकाल रहा है। भारत में देखा जाए तो ईस्वी पूर्व के क्षेत्र में देखा जाए तो अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में मधुमक्खी पालन के बारे में हार्वेस्टिंग की पद्धतियां शायद वहां की हाइजीनिक नहीं होंगी या साइंटिफिक नहीं होंगी, लेकिन मधुमक्खी पालन से मधु निकालना इसके बारे में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हमारे पास आज भी मिलते हैं। हमारे यहाँ पे बाजू में मध्य प्रदेश है, कभी आपको घूमने का मौका मिला तो वहां पे आप जरूर जाइए। भीमबेटका नामक एक छोटी सी गुफा है जिसके अंदर आप जाओगे तो एक महिला और पुरुष रॉक पीस की यानी डोर सरना जिसमें मराठी में आज्ञा भी कहते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसका हनी निकालते हुए चित्रित उस टाइम का किया गया है, यानी ये हमारे भारत में आगे है। अगर हम सब मिलकर गोवा के बारे में भी इसकी हिस्ट्री निकालने की कोशिश हमने की तो शायद गोवा के अंदर भी हमें इसके फुटप्रिंट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये हिस्ट्री काफी पुरानी है मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी पालन क्यों करना है, कहाँ कर रहा है मधुमाशा पालन, तो सक्रिय पहला मुझे सबसे पहले कृषि और बागायती के लिए यानी हमारे जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो हमारे क्रॉप है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंगो जिसके बारे में मैंने महाराष्ट्र में काम किया था अल्फांसो के ऊपर देवगढ़ में, तो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमने उनके वहां पे प्रयास किया था, अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग रिसर्च छोटे छोटे किए थे जिसमें हमने ये दिखा था कि अगर मैंगो के अंदर पर एकड़ 6 बी बॉक्सेस हम लगाते हैं तो उसका यील्ड जो है वो 1.25% बढ़ जाता है। सो मैंगोस बढ़ गए, ओनली मैंगो नहीं बढ़ता है तो मैंगो का जो साइज है उसमें इंक्रीज हमें दिखा, अंदर का जो मिठास था मैंगो का वो भी बढ़ गया था, तो ये सब कुछ फायदा हमारे यहाँ के मैंगो ग्रोअर्स को मिल रहा था। वैसे ही सर कैशी में आया था, मेरी जो मालिका ये चल रही थी तो एक गोवा के हमारे काफी बुजुर्ग है वो मालिका देख के मुझे पुणे में मिलने आए थे कि हमारे यहाँ पे काजू होता है तो मुझे आपने लिखा था 25% ग्रोथ है तो प्लीज हमें ये ट्रेनिंग दे दो, तो लोग ढूंढते आ रहे हैं कि उनको ये करना है सीखना, तो ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हम जो क्रॉप है उसके लिए काफी सारा फायदा होता है। अभी जगह मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा जिसमें कौन से कौन से क्रॉप पर कितना कितना फायदा होता है। शेतकऱ्यांचं उत्पादन हे जवळ जवळ दुप्पट तिप्पट 21 पटी पर्यंत वाढतं, 21% तक इसकी ग्रोथ डेफिनेटली होती है, ये हमारे साइंटिस्ट लोगों ने दिखाया है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मधुमक्खी पालन हमारे यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मधुमक्खी पालन यानी ओनली हनी है क्या, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ओनली हनी नहीं है, हनी एक जीरो लेवल के ऊपर आता है, काफी सारे अलग 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 इससे जुड़े हुए व्यापार है उद्योग है। मैं कहता हूँ अराउंड देखा जाए तो 47 टाइप के अलग अलग इसमें से व्यापार निकलते हैं छोटे मोटे, तो ये व्यापार हमारे लोग डेफिनेटली करते हैं। जैसे कि देखा जाए मधुमक्खी के लिए बक्सा लगता है, बी बॉक्सेस लगते हैं जो लकड़ी के होते हैं, हमारे यहाँ पे कोई अच्छे कारपेंटर का यूथ है तो हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो ऐसा स्टैंडर्ड उसके बने हुए हैं, गवर्नमेंट उनको रिकमेंड करेगी, ऑथराइज करेगी कि ये जो लड़का है हमारा यूथ है
वो अच्छा बी बॉक्सेस बनाता है, उसको स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा, वो बी बॉक्सेस बनाएगा, तो गोवा के बी बॉक्सेस हम गोवा में ही हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे कुछ हाइव टूल होते हैं, लोखंड का हाइव टूल करके होता है, आपको आगे दिखाऊंगा, वो बना तो हमारा लोहार समाज का कोई अगर बंदा है या कोई भी जो इसमें इंटरेस्टेड है उसको ऐसे 47 टाइप के व्यापार इसमें से निकलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण ऐसा संवर्धन होगा, एनवायरमेंट कंजर्वेशन इसमें से सीधा सीधा हो जाता है और हम दिखा सकते हैं। और आगे जाते हैं, हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए व्यापार ये बढ़ने वाला है, इसलिए मधुमक्खी पालन काफी जरूरी है। ये चार्ट गवर्नमेंट का बताता है, इसमें हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़े थोड़े बातें देखेंगे। जैसे वहां पे हमने लिखा है गवर्नमेंट कहती है कि 3 लाख मेन डेज, ये एटलीस्ट उसमें से 10,000 बी कॉलोनी अगर हम मेंटेन करते तो उसमें से इतने सारा फायदा हमें मिल जाता है। गवर्नमेंट का कहना ऐसा है कि 100 बी बॉक्सेस अगर हम संभालते हैं तो उसमें से कम हमको 1.7 लाख हमें वार्षिक उत्पादन हमसे बढ़े मिलना पड़ा। पण माणसा ते मधमाशा पालक काय आहेत ते हे म्हणतात की हे गणित खूप कमी आहे, याच्यापेक्षा कितीतरी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन तुमचं केलं जातं। पुढे जाऊन आपण त्यावरती बोलणार आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बनवणार आहोत। ह्या प्रकारच्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्या गोष्टींसाठी आपण मधमाशा पालन केलं पाहिजे। कोण कोण करू शकेल या मधमाशा पालन, कोण कोण कर सकता है, किसके लिए? तो फार्मर एग्रीकल्चर ले कभी तो इसकी जरूरत नहीं है, ये खराब ही होता है। खराब पण होता नाही, आवाज मला वाटतं येतोय, लावून घेऊ। बरोबर, मुझे ऐसा लगता है नीचे लगा कोणा पण कोण कोण करू शकतात, कोण कोण कर सकता है? तो फार्मर, सभी फार्मर्स इसमें आ सकते हैं मधुमक्खी पालन सीखने के लिए। साथ में फार्म लेबर्स जो होते हैं, फार्म लेबर्स, उनको भी हम मधुमक्खी पालन सिखा सकते हैं। फार्म की एक्टिविटी काफी कम होती चाहिए, उनको हाथ के लिए काम कुछ नहीं मिलता है, तो वो लेबर को हम लोग ये मधुमक्खी पालन की एक्टिविटी की जोड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं उनके पास फार्म लैंड काफी सारा है लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं है, तो ठीक है, ऐसा भी एक जगह पे हमें दिखता है। दूसरी जगह पे हमें ये भी दिखता है कि हमारे पास काफी सारी जमीन है लेकिन उसको उसमें क्या हम लगाए, किस तरह से उसको एक्टिविटी करें, इसके बारे में भी समस्या है। लैंडलेस जो लोग हैं यहाँ पे जिनके पास जमीन नहीं है वो मधुमक्खी पालन डेफिनेटली कर रहे हैं। मैं प्रशांत में मैंने कहा कि मेरा नेटिव वेव है, मेरी जमीन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एक रहेगा जिसमें राइस आ रहा है लेकिन वो हमारे पूरे घर को भी हमें फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन आज मैं खुद मेरे 3000 बी बॉक्सेस ऑपरेट कर रहा हूँ मेरी तरह के, वो कमर्शियल बी के ऊपर। मेरे पास 35 यूथ की टीम है जो मधुमक्खी पालन कर रही है, तो ऐसे भूमि लैंडलेस लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। ट्राइब्स, सभी प्रकार के ट्राइब्स इसमें आ सकते हैं जिनको हम एडिशनली एक्टिविटी दे सकते हैं। महिलाएं, युवक, सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं, तो कोई भी एज के लोग इसमें आ सकते हैं। ये एक सेंटेंस है कि हनी बी कीपिंग इज इनडायरेक्टली बेनिफिट ग्रोथ ऑफ क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ाएगा, साथ में एनवायरमेंट कंजर्वेशन। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आगे आने वाला है वो है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी मधुमक्खी पालन एक छोटा सा जीव भी काफी सारा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा एक मीटिंग हुआ था अभी मुंबई में बीकेसी में, बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वहां पे हुआ था, जिंदाल टीम के साथ में, उन्होंने मुझे बुलाया था फॉर सीएसआर एक्टिविटीज के बारे में। तो बीकीपिंग और सीएसआर एक्टिविटीज से हम जोड़ रहे थे। जिंदाल, आपको पता है कि बहुत सारा स्टील्स जमा होता है, उसके बाद कार्बन का कितना सारा प्रॉब्लम होता रहेगा, तो कोस्टल जोन जिनका होता है तो वहां पे वो लोग बीकीपिंग को लेकर एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं गांव के अंदर, तो कौन से पेड़ होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट लोग भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको पता चला था कि ये मधुमक्खी पालन जो है वो करने से कार्बन क्रेडिट भी मिलता है, ये सब कुछ बातें ये नहीं है। ये है कमर्शियल बीकीपिंग का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने उत्तराखंड के आसपास हमने दिया हुआ था, काफी पहले का बात है, हम लोग अभी धीरे धीरे जाएंगे इसके ऊपर। एक मैंने पेपर प्रेजेंट अभी किया था कि मधुमक्खी पालन आगे अगर हमने अभी जिस तरह से मधुमक्खी है उसको हमने अगर कंजर्व नहीं किया तो आगे क्या होने वाला है, तो ये पेपर मेरा इंटरनेशनल के ऊपर प्रेजेंट हुआ था। ये महाराष्ट्र का मैंने मैप दिखा था, जितना आपको ग्रीन जोन दिख रहा है ये हमारा फॉरेस्ट है महाराष्ट्र का, और ये सब रेड होते जाएगा आने वाले 40 साल के अंदर, ये मैंने डिक्लेयर किया था। मैंने इसका माइक्रोप्लानिंग बहुत सारा किया हुआ है, बहुत सारा मैंने पढ़ाई इसकी महाराष्ट्र की है, क्योंकि यहाँ की जो बीज है वो धीरे 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 लुप्त होती जा रही है। इसके अनेक कारण है, अनेक कारण, जैसे कि हम फार्म में काफी सारा केमिकल ला रहे हैं उसके साइड इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। गर्जन जैसे डेंस फॉरेस्ट में भी मुझे काफी सारा केमिकल वहां पे दिखाई दिया है, तो ये धीरे धीरे आगे के 40-50 साल के अंदर यहाँ पे खाना प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाएगी और फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने की संभावना यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हुआ था। हाँ, मधुमक्खी के स्पीसीज कितने हैं इसके बारे में हम बार बार कहते हैं, तो वर्ल्ड में देखा है 45,000 के ऊपर स्पीसीज और सब स्पीसीज देखे जाते हैं मधुमक्खी के।
भारत में 5 मुख्य प्रजातियां हैं और 2 उप प्रजातियां हैं, इसके बारे में हम आगे भी देखने वाले हैं। तो ये है भारतीय मधुमक्खी, हमारी यहाँ पे कुलसी कुलसी मधुमक्खी है। सबसे पहली आती है हमारी गोवा में, हम जिसको अभी फिलहाल अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी तरह गवर्नमेंट दिखा दे भी रही है, वो है एपिस सिराना इंडिका। इसे भारतीय मधुमक्खी भी कहा जाता है। आपने देखा होगा ये मधुमक्खी जो होती है भारतीय मधुमक्खी, ये छोटे छोटे अगर पेड़ रहेंगे या मिट्टी का वारूल जला मी म्हणतो मुंग्या राहतात त्याच्यामध्ये, त्यामुळे 5 कोळी 7 कोळी करून टाकलेली त्या असतात, पुढे आपण चित्र बघूया। तर ह्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत, इसमें 2 टाइप के हैं। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, भारत के नीचे क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ पे केरला है और नीचे की तरफ में, वहां की स्पीसीज की साइज अलग है, सेंट्रल इंडिया की अलग है और नॉर्थ वाली साइज अलग है। तो इसमें 3 टाइप के हनी बीज हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद में आपको दिखता है कि फ्लोरिया, फ्लोरिया यानी क्या, फुलोरी मधुमाशी, हम ज्यादा मराठी मंडो फूल फुल्ली का ये थे थामते फूल संधि का निकुन जाते। ये ओपन में आपको देखने के लिए मिलेगा, ओपन में आपको दिखती है काजू के, अगर प्लांट फूल आ गए तो वहां पे काजू के प्लांट के ऊपर आएगी और वहां पे वो बैठेगी, जब काजू खत्म हो जाएगी तो उठ के चली जाएगी। ये जो है एपिस फ्लोरिया या इसे फुलोरी मधुमाशी कि लहान मधुमाशी असं मराठीत म्हणतात। आगे डोरसाना जिसका चित्र में साइड में आपको मैंने दिखाया, आगे इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आगे इसके बाद और एक मधुमक्खी है जिसके बारे में मैंने गोवा में भी काफी सारे पुराने लिटरेचर ढूंढने की कोशिश की। यहाँ पे फादर लियो करके काफी पुराने साल में थे, उन्होंने ये लिखे रखा कि ये इंग्लिश जो बीज है, इस इंग्लिश बीज का मैंने हनी कलेक्शन किया था जिसमें गोल्ड था, उसकी प्रॉपर्टीज काफी अलग थी। और ये टाइगोना बहुत ही छोटी मधुमक्खी होती है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और वो मधुमक्खी जो है वो अगर आप निकालने जाओगे उसको तो आपके नाक में कान में बालों में जाएगी, आपको गुदगुदी करके भगा देगी। उसका हनी प्रशांत मुंबई में बेचता है 5,500 रुपीज पर केजी, इसकी उसकी मार्केट वैल्यू है। और यहाँ पे गोवा में वो है लेकिन वो लुप्त होती जा रही है, हमने सीमेंट लाना शुरू किया है तो इसके लिए उसके घर भी हमने बंद कर दिया है। तो मैं कैसा होता है वो आपको दिखाऊं। और बाद में जो हम बात करते हैं कमर्शियल बी की के बारे में, वो है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा या इटालियन बीज इसे कहा जाता है, इटालियन बीज है, इसका जो मूल स्थान है वो इटली है, उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में वो फैल गई है, इंडिया में भी ये आ गई है। काफी साल पहले हमने इसे एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आया था पॉलिनेशन पर्पस के लिए, लेकिन इसे देखा गया कि हनी कलेक्शन भी काफी बड़े पैमाने पे होता है, तो इसके लिए कमर्शियल बीकीपिंग में एपिस मेलिफेरा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और नॉर्थ स्टेट जितने भी सारे हैं मध्य भारत से लेके ऊपर के स्टेट ऊपर के राज्य, वहां पे मेलिफेरा काफी बड़े पैमाने पे काम कर रही है और उसका हनी कलेक्शन के लिए वहां पे इंट्रोड्यूसिंग हो रहा है। तो ये हमारे भारतीय मधुमक्खी फिलहाल हमारे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये किस तरह से दिखती है, ये मैंने साइड पे अलग अलग छोटे छोटे कोने में आपको दिखाया, अलग अलग टाइप के लिए मधुमक्खियां यहाँ पे आपको दिखाई देती है। सबसे पहली बात होगी मधुमक्खी बोलने के बाद हमें याद आता है हनी, तो हर एक मधुमक्खी कितना हनी देती है ये बहुत बड़ा सवाल मन में होता है। चार्ट आपके सामने में देखा है, रॉकबीज छोटी है, ये रॉकबीज का प्रोडक्शन, अगर रॉकबीज को अच्छा फ्लोरा फोना मिला, उसको खाना अच्छी तरह से मिला, तो सालाना एक कॉलोनी से आपको 50-80 केजी, कॉलोनी के ऊपर डिपेंड है, एरिया के ऊपर डिपेंड है, आपको हनी मिल सकता है। मैंने महाराष्ट्र में काम करता हूँ सीबीआरटी के साथ में या अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ में, तो डैम हमारे जो होते हैं जब पानी भर जाता है तो डैम हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने के बाद में वहां पे छत्ते लग जाते हैं, तो एक एक छत्ता जो होता है इतना बड़ा बड़ा होता है, इतना इतनी इसकी वॉल होती है, स्टील के हमारे ब्लेड भी टूट जाते हैं। तो मैं एक छत्ते से मैंने निकाला 125 केजी हनी मुझे मिला था, तो इतने बड़े बड़े छत्ते भी हो जाते हैं। इसको अगर अच्छा सा एरिया मिला और अच्छा खाना मिला तो कॉलोनीज अपना बना देती है। तो 50-80 केजी ऑन एन एवरेज आपको मिलेगा। एपिस सिराना इंडिका जो आप यहाँ पे गोवा में अभी फिलहाल नीले या हरे रंग के आपके बी बॉक्सेस आपको दिखते हैं, उसमें से आपको सालाना 8-12 केजी तक का हनी मिल सकता है। अगर आपकी प्रैक्टिसेस बेस्ट है तो आपको 8-12 किलो के आसपास मिलेगा, वहां पे फ्लोरा फोना होना चाहिए, आपने उसको अच्छे से देखना चाहिए। सो 8-12 केजी पर बी बॉक्सेस पर एनम आपको एपिस सिराना इंडिका का प्रोडक्शन मिल सकता है। बाद में है फ्लोरिया, फ्लोरिया का हम उसको संभाल यानी इसको बॉक्सेस में नहीं रखते, जो इतना ध्यान रखिए ओपन की जो बीज है ना उसको बॉक्स में नहीं पाला जाता है क्योंकि वो उसकी मानसिकता नहीं है बॉक्स में रहने की, और जो अंधेरे में रहने वाली बीज है उसको हम बॉक्स में पाल सकते हैं जिसमें ये फ्लोरिया नहीं आती है। तो फ्लोरिया अगर झाड़ पे है उसका हनी हमें निकालना है, उसका कंजर्वेशन का काम भी हमने महाराष्ट्र में काफी अच्छी तरह से शुरुआत की है, तो उसका प्रोडक्शन आपको मैक्सिमम 200-900 ग्राम तक आपको अभी तक का हमारे हमें हनी मिला हुआ है। उसका हनी का टेस्ट भी काफी थोड़ा अलग होता है। स्टिंगलेस बीज के बारे में जिसको कहा जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, महाराष्ट्र में कोयाची मधुमाशी ऐसा मनता कि जिनमिनी मधुमाशी ऐसा मनता, उसका हाइट कम से कम 50 से लेके 500 ग्राम तक की हनी मिला,
देखा जाता है ये वर्ल्ड की, मैंने बोला जैसे सबसे छोटी मधुमक्खी है, बहुत ही छोटी है, आपके कान नाक में जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हनी बीज का अगर आपने घर देखा होगा तो हेक्सागन होते हैं, राइट, इसका हेक्सागन नहीं होता। पानी के जो मटके होते हैं उससे मटके एक दूसरे को लगे हुए होते हैं, उसे में वो उसका पोलन नेक्टर सोर्स उसमें डालती है, हनी बना के उसी में रखती है, ठीक है। तो वो निकालना एक टेक्निकली बात होती है, वो अगर अच्छे से उसको बॉक्स में भी, बांबूज में भी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, बांबू पे भी हम उसको रख सकते हैं या बॉक्सेस बनाए हुए हैं अभी, इसमें आप उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसकी डिविजन भी आप निकाल सकते हैं अच्छे से। लेकिन ये बीज को देखा जाए तो ये आयुर्वेदिक प्लांट के ऊपर काफी अच्छा काम करती है, वो ढूंढ के निकालती है, इसलिए उसका आयुर्वेदिक का महत्व, हनी का महत्व सबसे ज्यादा देखा गया है। आगे आपको मैंने बोला ये कमर्शियल बीकीपिंग के लिए, जिसको हनी का बिजनेस करना है उसके लिए यूरोपियन बीज, इटालियन बीज को पाला जाता है। मेरे पास 3000 बी बॉक्सेस इटालियन बीज के हैं और उससे मैं कम से कम 40 to 40 केजी पर एनम, एक बॉक्स से मैं 40 किलो पर एनम में हनी निकालता हूँ, और मैक्सिमम अगर बेस्ट प्रैक्टिस आपकी है तो 60 केजी तक ये प्रोडक्शन चला जाता है। ये फ्लोराफोना और नेचर के ऊपर काफी सारा डिपेंड होता है। तो ये हनी किस तरह से मिलता है इसके बारे में, मधुमक्खी एक कीटक वर्ग में आती है, तो कीटक वर्ग के 6 पैर होते हैं, हमने बचपन में हमने हमारे एजुकेशन में पढ़ा हुआ था। इसके दो एंटीना आगे होती है और फिर दो पंख होते हैं, उसके नीचे की तरफ देखा जाए तो उसको स्टिंग होता है, अभी मराठी में मतलब मधुमक्खी चावते हैं, ये साइंटिस्ट से हमें गलत सिखाया गया, मधुमक्खी काटती नहीं है, तो मधुमक्खी डंक देती है, जो डंक पीछे की तरफ होता है। ये 6 पैर देखना, मधुमक्खी एक ढूंढना एक अच्छी एक इंडिकेटर ये है कि 6 पैरों के पीछे की जो पैर है आपको दिखाई देता है, वहां पे एक बास्केट लगा हुआ है, एलोसरी का आपको एक डॉट दिख रहा है, ये डॉट यानी क्या होता है, पोलन बास्केट है, जिसके हम मार्केट जाते हैं तो बैग लेके आता है, वैसे मधुमक्खी ये बैग नेचुरली उसको बना हुआ है, जो पोलन मिला पोलन लेके उस बैग में भर देती है और अपने घर में लेके आती है, और उसकी जो टंग होती है सुंग जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर वो नेक्टर भर के लेके आती है। तो ये उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाकी के इसके डिटेल की हम नहीं जाएंगे, बट ये अच्छा सा स्टिंग नीचे होता है उसका, ये समझना बहुत जरूरी है, मधुमक्खी काटती नहीं स्टिंग देती है, और पोलन बास्केट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारी कॉलोनी किस तरह से, आग्या मधुमाशा गोया में क्या मतलब आग्या ना महती महती नहीं मैं क्या मतलब आग्या डोसाटा रॉपीस, ओके रॉपीस का म्हणतात कारण रॉकला लागतात, उंच ठिकाणी असतात दगडाला असतात म्हणून त्याला रॉपीस म्हणतात, ठीक आहे। हे एक झाड फ्रॉम महाबळेश्वर मधलं आहे, तुम्ही ऐकलं महाराष्ट्र मध्ये महाबळेश्वर खंडाळ ठिकाण आहे, तिकडच्या एका स्मशानामध्ये एका झाडाला 70-80 कोळी लागलेली आहेत एकाच वेळेला, आणि ती अशी भली मोठी आहे, स्मशान मध्ये कोणी लोक कोणी जाते नाही आहे उसको डिस्टर्ब करने के लिए, राईट, तो वहां पे ये अच्छी आराम से वहां पे बैठी है। तो इसके बाद ऐसा अगर आपको फॉरेस्ट देखना है तो प्लीज वेलकम हमारे महाराष्ट्र के, आप आओगे तो विदर्भ में अमरावती में जहां पे मैंने ये काम किया था, हर एक पेड़ के ऊपर आपको 70-80 कॉलोनीज आपको मिली है, पूरा जंगली वैसा है, तो वहां के यूथ वहां पे काम करते हैं, एक भी बीज का कोम बिना तोड़े हुए वहां से हम निकालते हैं, तो ये प्रैक्टिस अलग है, मैं वो ट्रेनिंग देता हूँ रॉक बीज के बारे में। ये आपको दिखाया कि आपके बिल्डिंग के लोग है, फिर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां होंगी वहां पे लगेगी, अंतरिक्ष जगह पे रहेगी जहां पे हम जा नहीं सकते इजीली, और वहां पे वो रहती है और अच्छा काम करती है। रॉक बीज के बारे में गलत फहमी ऐसी भी है कि लोग बोलते हैं कि रॉक बीज कहानी है, फिर वो आग्या कहते हैं, फिर आगा घोड़ा आए थे मध खाल्ल्यानंतर तो मध खायचा नहीं, असं आमच्या महाराष्ट्र मध्ये म्हटलं जातं, तुमच्याकडे काय मला कल्पना नाही, पण रॉक बी कहानी जो होता है रॉक बी कहानी वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसकी फ्लाइंग रेंज 5 किलोमीटर तक देखी गई हुई है, एक अध्ययन हमारा ऐसा भी हुआ था सीबीआईटी के साथ में सर, ये जब गुजरात का भूकंप हुआ था तो वहां की बीज माइग्रेशन करके महाराष्ट्र में आई थी, तो जब भूकंप का पूरा परिणाम खत्म हुआ फिर से बीज वहां पे चली गई, तो इस तरह से बीज को भी पता होता है, वो सबसे पहले माइग्रेशन करना उसने शुरू किया था, तो इतनी सेंसिटिव बीज होती है और अच्छा उसको ज्ञान भी काफी सारा होता है। ये है फ्लोरिया जो आपके बगीचे में आपके बागान में दिखेंगे, सर के पास में जोशी सर के पास में गया था उनके घर में देखा था, तो नीचे ही बैठी हुई है, ये फ्लोरिया है, ये फ्लोरिया से भी आप अच्छी तरह से आपको ऊपर जो दिख रहा है वो हनी है, इस साइड में दिख रहा है वो नीचे उसका पोलन और लार्वास उसके अंदर है, ये फ्लोरिया हनी हनी बीज है जिसका हनी हम ले भी सकते हैं। ये से हम पा सकते हैं जो आपके गोवा में आपको दिख रहा है इस तरह के बी बॉक्सेस जो है नीले कलर के हरे कलर के बॉक्सेस, ये है एपिस मेलिफेरा की सिराना इंडिका के कॉलोनीज है। अगर इसको नेचुरल कॉलोनीज देखा है तो देखिए ये ऐसे 5 से 7 कॉलोनीज बनाती है मिट्टी के अंदर पेड़ के अंदर जहां पे उसको जगह मिली 5-7 पैरेलल कोम बनाने की, तो वहां पे बनाते हैं, इसे हम कैप्चर कर सकते हैं और कैप्चर करते हैं इसे बॉक्स में हम रख सकते हैं। ये भारतीय मधुमक्खी है और इसे नीचे की तरफ दो बॉक्स एक के ऊपर आपको दिखाई दे, नीचे का जो है उसे कहते हैं ब्रूड चेंबर और ऊपर का हनी चेंबर है। बहुत बार ये गलतफहमी आती है कि हम
हनी जो निकालते हैं वो मधुमक्खी का पूरा हनी हम ही खा देते हैं क्या? तो नहीं, इसमें साइंटिफिकली बनाया गया है, नीचे जो होता है पृथ्वी पर हनी हम कभी नहीं निकालते क्योंकि ये उसके ब्रूड के लिए होता है, उसके खुद के लिए होता है। ऊपर जो होता है वो एक्सेस हनी जो बनाती है ऊपर स्टोर करके रखती है। आम्ही जसं काम काही अणू स्टोर करून ठेवतो जेव्हा लागेल तेव्हा काढून घेतो, तर स्टोर मध्ये असतं। तो ते स्टोर वो स्टोर किया हुआ हनी हम डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर वो हमने लिया नहीं तो क्या होगा, वो और स्टोर करती जाएगी और ऊपर का जो क्रॉप है उसको भी पैक कर देगी। और फिर एक्सेस हनी हमने देखा है कि नीचे की तरफ से वो बहना शुरू हो जाता है तो फिर से वो खराब हो जाएगा। उससे अच्छा जितना एक्सेस है उतना आप निकालो, बाकी को फिर वो काम करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से ये प्रैक्टिसेस है, ये ट्रेनिंग में प्रॉपर सिखाया जाता है आपको। ये देखिए ट्राइगोडा जिसके बारे में कहा था 5-5 रुपए पर केजी के हिसाब से, देखा है तो छोटा सा होता है और उसका जो मोम है वैक्स जैसा हमें जो दिखता है उसको अपने हाथ लगा दिए तो डांबर होता ना ये रस्ते पे डालते हैं वैसा काला काला रहेगा, वो जल्दी से जाएगा नहीं, आप कितना भी ऐसे सबको जल्दी निकलता नहीं। लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज काफी अलग है, उसको काफी अलग अलग इसमें यूज भी किया जाता है। देखिए ये छोटे दिखने के लिए बहुत छोटी है, फाइबर्स लोग क्या करते हैं इसको बाम्बू के अंदर डाल के रख देते हैं और घर में टांग देते हैं तो ये वॉल हैंगिंग भी हो जाता है। मधुमक्खी जब चाहिए वो काम करके आती है, जब चाहिए तो निकालो हनी निकालो खा लो रख दो। तो ये एक पद्धतियां इसकी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये लुप्त होती जा रही है गोवा में। गोवा में काफी सारी कॉलोनीज अभी कम होती जा रही है, इसको बचाना ही हमारा फर्ज है। और ये कमर्शियल बीकीपिंग का एपिस इटालियन बीस है और इसको हम पालते हैं। इसके अंदर 10 फ्रेम होते हैं और बड़े फ्रेम होते हैं इतने सारे, और हर एक फ्रेम अगर मैं हनी से अगर मैं फुल करता हूं तो 2 से 2.5 किलो का हनी मुझे एक फ्रेम के अंदर आ जाता है। तो इसका ये ग्रूड चेंबर है, इसके ऊपर सुपर लगाते हैं 10 फ्रेम का और उसमें से पर फ्रेम अगर आपने काउंट किया 2 kg 10 kg तो 10 फ्रेम का कितना हुआ, तो इतना सारा हनी हम बीकीपर उसमें से कलेक्शन करते जाते हैं। तो ये कमर्शियल बीकीपिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद भी फैमिली जो है उसके फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। ये देखा हमने बीस के अलग अलग टाइप का क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक चित्र है जिसमें दिखाया गया एक क्वीन बीस, आपने सुना होगा मधुमक्खी में एक ही क्वीन होती है। जैसे कि हम पुराने पिक्चर देखते हैं उसमें एक राजा होता है वो बैठा होता है, रानी होती है उसको कुछ हवा लोग देते हैं, सेम वैसे ही आपको इस कॉलोनी में हर एक कॉलोनी में देखने के लिए मिलता। क्वीन को जरा भी टाइम नहीं होता है खाना खाओ या खुद को क्लीन करो या कुछ देखो, उसके 24 घंटे उसके पास सिक्योरिटी होती है, 5-6 bees उसके बाग में रहेगी वर्क बीस और उसको सपोर्ट करती रहेगी, उसको खिलाएगी पिलाएगी। उसका काम ओनली एक ही है, सिर्फ ओनली एक डालना, अंडे डालना अपने अपने घरों में। हाँ, तो इसे हम इसलिए इसे अंडे देने की मशीन भी देते हैं क्वीन को कभी कभी। इसका काम एक बार शुरुआत इसने अंडा डालना शुरू किया तो मरने तक ही अंडा ही डालती है। तो इसके लिए इसको देखा जाए तो वो लंबी भी है, आपको इजिली वो दिखती है, अगर हम आगे जाके देंगे तो उसको आपको पता चलेगा। बीच में आपको दिख रहा है काला ढब्बा सा मोटा सा वो है नर। तो नर जैसे कि हमारे फीरेज में होता है हम काम कम करते हैं पुरुष, महिलाएं ज्यादा काम करती है, तो ये पूरी फीमेल साइकिल है। इसमें नर का बहुत ही कम होता है योगदान, हार्डली आपको कुछ कॉलोनी में 10-12 आपको नर मिलेंगे या नहीं है तो फिर नहीं भी मिलेंगे, उसको जरूरत नहीं है। तो नर को नरों को मारा दिया जाता है क्योंकि वो सिर्फ खाएंगे सोएंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं, तो फिर मार दो जब चाहिए उसको पैदा कर दो। इस तरह से इसका ये काम नेचर में बना हुआ है। और इस साइड आपको दिख रही है वर्कर बीस, वर्कर इसके नाम के अंदर ही है, वर्कर यानी काम करना, ये जन्म से लेके मन तक काम काम और काम ही करती थी, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। जितने भी सारे काम है बाहर से नेक्टर को लाना, वहां पे सिक्रेट करना, छोटे बच्चों को खिलाना, बड़े लार्वास को खिलाना, रानी को देखना, वैक्स डेवलप करना, घर बांधना, कंस्ट्रक्शन करना, रक्षण करना, ये सब काम ये वर्कर बीस करती है। सो इतनी सारी कॉलोनी में आपको 30-40 मधुमक्खियां जो दिखती है उसमें सबसे ज्यादा वर्कर बीस होती है, कुछ बहुत थोड़े बहुत ड्रोन होते हैं उसकी जरूरत है तो, और एक ही क्वीन होती है, ये आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा देखा जाए तो लार्वा, इसके लार्वा अंडे, छोटे छोटे अंडे और लार्वा इसके अंदर होते हैं, ये भी एक कॉलोनी का एक भाग होता है, ठीक है। हाँ, अब तक मैंने 22 साल में जो मधुमक्खी के बारे में सुना तो मुझे ये थोड़ा सा सीखने के लिए मिला मधुमक्खी से, और मैंने देखा कि मधुमक्खी के अंदर संघ भावना होती है, एक साथ मिलकर काम करो, अकेले काम मत करो, तो जॉइंटली काम करो। देखिए कभी 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 क्या होता है आपने सुना भी होगा, एक कोणी तरी जात होता त्याला मधमाशी, त्याला सिंह मधमाशा पावल्या, का चावल्या त्याला, बाकी कोणा चावल्या नाही त्यालाच का चावल्या, उसको क्यों मधुमक्खी ने पकड़ा। इसके पीछे की धारणा ये होती है कि मधुमक्खी जब आती है काटती है हम लोग क्या करते हैं चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि मधुमक्खी काटी तो बहुत सारा हमें जलन होती है, राइट। लेकिन उस टाइम में हम ये देखते नहीं कि उसका जो डंक होता है वो हमारे बॉडी के अंदर अटका हुआ है। जिस वक्त मधुमक्खी आपको काटती है उसी क्षण में विद इन सेकेंड 3 किलोमीटर तक उसका स्मेल जो है वेनम का वो चला जाता है उसकी कॉलोनी तक। तो सबको बराबर पता लगे यहाँ पे हमारा कोई तो बंदा गया है, कोई तो शत्रु यहाँ पे आया, चलो अटैक करो।
फिर उसी के बंदे के ऊपर अटैक होता है, इसीलिए एक के पीछे ही अटैक। तो तुरंत अगर बंदूक की काटती है तो आपको वहां का डर निकाल देना है, कोई भी आपको पत्ता है हरा पत्ता आप निकालो, उसका जूस निकल आएगा, आप वहां पे उसको लगा दो, बस उसका स्मेल चला जाएगा, या गीली मिट्टी है कुछ भी है वहां पे उसका स्मेल जाना चाहिए। अगर वो स्मेल गया नहीं तो आपके पीछे मधुमक्खियां और प्रसाद देने के लिए आ जाएगी। ओके, सो उसको बचाना है तो आपको इस करना। तो ये संघ भावना हुई, किसी कोई तो हमारे यहाँ पे मर गया तो सबको बचाना, उसको बचाना है तो चलो सब जाओ वहां पे अटैक करो, तो ये संघ भावना के ऊपर से वो काम करती है। अंदर भी कुछ काम करना है, उसको कॉलोनी के अंदर काम करना, तो एक साथ मिलकर वो काम करती है। इसके बाद में वो हर एक को हेल्प करने के लिए, हम मैंने देखा कि कोई तो बाहर से कॉलोनी ला रही है मधुमक्खी, उसको हैवी है उसको उठा नहीं जाती, दूसरी उसको हेल्प करती है, या कॉलोनी के अंदर कुछ कचरा पड़ा हुआ है उसको उठाना, दूसरी मधुमक्खी उसको हाथ में लेके दोनों उठा के लेके जाती है उसको। ये हमने देखा है कुछ डेडी बॉडी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली मरती भी रहती है, नहीं पैदा भी होती रहती है, कुछ काम करते करते वो कॉलोनी के अंदर मर जाती है, तो उसको उठाना एक मधुमक्खी के बस की बात नहीं होती, तो दोनों मधुमक्खियां उसको उठाते डेड बॉडी बाहर जाती है उसको डाल देते। इस तरह से इसका काम है, ये शिस्तबद्ध है, हम शिस्तबद्ध मधमाशा म्हणतो, एका शिस्तीत सगळे काम करा, फुगा इकडे तिकडे जाणार नाही, ज्यांना जे काम दिलं तेच काम त्यांचं करायचं। सगळ्यात जास्त इंटेलिजेंट आहेत, हुशार आहेत, मधमाशा खूप चांगल्या पैकी ओळखतात, स्वच्छता प्रिय आहे, त्यांना क्लीननेस खूप आवडतो। अगर आप गंदे उसके पास गए तो वो आपको लेगी ही, यानी मैं अगर उसके पास गया नहाया नहीं हूं, मुझे बदन में अच्छी सी गंदी बांस आ रही है मधुमक्खियां डेफिनेटली आपको स्टिंग करेगी, आप उसके मालिक हो या ना हो, आपने सेंट मारा हुआ है परफ्यूम मारा हुआ है या सुवासिक अत्तर लावला है वगैरह सारे तुम्ही गेला तो मधमाशा पावणार। चांगला वास आणि घाण वास दोनों अच्छे और बुरे स्मेल उसको पसंद नहीं है, आप नीट और क्लीन उसके पास जाओ आपको कुछ भी नहीं करेगी। इस तरह से आपने कुछ ड्रिंक किया हुआ है, आपने तंबाकू खाया हुआ है, आपने ये आपको डेफिनेटली मधुमक्खी ये करेगी स्टिंग करेगी। तो इसको यहाँ पे वहां पे मैं कहता हूँ कि ये आपको क्या बोलते हैं व्यसन मुक्ति का, एक ये मधुमक्खी पालन काफी अच्छा है, जिसको व्यसन इसको इसमें डाल दो वो अपने आप मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये शोधक भी है, समझ लो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे 20 कॉलोनी मेरे पास ऐसी मैंने रखी है, उसे यहाँ से मधुमक्खी कॉलोनी उठानी और मड़गांव में लेके जानी है। आज रात को मैंने मधुमक्खी कॉलोनी उठाई, मैंने मेरे व्हीकल में डाली और यहाँ से उठ के मैंने मड़गांव में लेके गया। मड़गांव का लोकेशन मैंने आइडेंटिफाई किया, मधुमक्खी को पता भी नहीं था, वो वहां पे जब जाएगी तो उसकी जो आइडेंटिफाई करने वाली मधुमक्खियां वो पहली बाहर आ जाती है, वो बाहर आएगी घूमेगी कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे सन आता है, कहाँ पे वो खत्म होता है, ईस्ट वेस्ट ये देखेगी, खाना कहाँ पे वो ढूंढेगी, पानी कहाँ पे वो ढूंढेगी, आके फिर सभी को बताएगी, फिर उसके बाद सभी मधुमक्खी मधुमक्खियां बाहर जाएगी और फिर वो पोलन नेक्टर सोर्स या पानी लाना है यहाँ पे खाना है उसके बारे में मैसेज पास ऑन करेंगे। तो ये सब फिल्म में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हम आपको सिखा सकते हैं। तो ये सब शोधक पर खूब मधमाशा भी है, त्यांच्या काळजी घेणार आहे, केअर करणार आहे, केअर करणार आहे। कभी कभी क्या होता है, हम बी कीपर जब काम करते हैं ना तो प्रैक्टिसेस में क्वीन मर जाती है हैंडल करते करते, अब क्वीन मर गई उसके बच्चे लाता उसको क्या करेंगे, जैसे कि मेरे घर में भी कोई छोटा बच्चा था तो मैं इसे संभाल लेता हूँ, राइट। तो उसमें हमने देखा कि दूसरे कॉलोनी के अंदर उसके लार्वा है उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है, दूसरी बीस को नहीं लेगी लेकिन लार्वा को तुरंत ले लेगी, तो इस तरह से काळजी वापण आहे। ओके, और वो समाज नहीं, वो समाज के लिए काम करिए, मनुष्य प्राणी के लिए काम करिए मधुमक्खी, हमारे लिए वो पॉलिनेशन कर रही है, हमारा ईल्ड बढ़ा लिए, हमें हनी दे रही है, इतना सब कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक मुझे उसमें मधुमक्खी पे दिखे, काफी सारे ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो कहा वो आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है, तो सवाल जवाब हम एंड में लेंगे, जो भी है वो जो मैं बोलता हूँ मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मराठी में बोल रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, मैं अगर कन्नड़ा तमिल या इसमें कोई लैंग्वेज में बोलना शुरू किया तो शायद आपको पता नहीं लगेगा। मधुमक्खी की भी भाषा होती है, ये लैंग्वेज डांस की लैंग्वेज है, एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी को डांस के इसमें से बता देती है, तो ये इसके ऊपर भी काफी सारा अध्ययन हो चुका है पूरी दुनिया भर में, वो डांस करके बताती है इस तरह से कहां पे कहा, ये देखिए इसे डांस करके कहा जाता है, ये सन कहां पे है, हाइव कहां पे रखता है, फूल कहां पे है, तो उसका डांस करने का जो तरीका है इसके ऊपर ये सब कुछ अध्ययन हो चुका है। इस तरह से मधुमक्खियां एक मधुमक्खी से दूसरे मधुमक्खी के साथ में भाषाएं इसकी डांस की है, एक किलोमीटर त्रिज्या के ऊपर फूल है तो किस तरह से डांस करेगी, ये सब कुछ आप ट्रेनिंग में देख सकते हो, प्रैक्टिकली देख सकते हो जो मधुमक्खी आपके पास रहेगी। हाँ, अभी मधुमक्खी से पालन से क्या क्या मिलता है, हमें सिर्फ इतना ही पता कि हमें हनी मिलता है, हनी देखा है तो हनी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हनी जो है यहाँ पे मराठी और इसका हुआ इसके लिए आपको इस तरह से दिख रहा है, हनी एक प्रोडक्ट मधुमक्खी पालन से मिलता है। एक अगर हमने ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगल का जो बेस है उसकी वैल्यू जीरो है, वो जीरो वैल्यू के ऊपर हनी है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ नोक की तरफ जाने वाले हैं। सो पहला मिलने वाला प्रोडक्ट है हनी। ठीक है, हनी के बाद हमें क्या मिलता है, वैक्स, आपने देखा होगा वैक्स, वैक्स यानी वो
मार्केट से हम मोमबत्ती लेते हैं वो वाला वैक्स नहीं, वो केमिकल वाला वैक्स होता है, मोमबत्ती का वैक्स नहीं है, ये एक्चुअली बी वैक्स होता है, ठीक है। ये बी वैक्स आपको पता होगा शू पॉलिश से लेके कार्बन पेपर हम पहले यूज करते हैं, वहां से लेके कॉस्मेटिक तक इंडस्ट्री तक मेडिसिन इंडस्ट्री का यूज किया जाता है। अलग अलग टाइप के वैक्स हमें मिलते हैं, तो वो वैक्स उस तरह से हम यूज करते हैं जिसकी वैल्यू हनी से भी ज्यादा होती है। उसके बाद आपको मिलता है बी पोलन, परागकण, जहां हमें मराठी में बोलते हैं पोलन। परागकण जो होता है इंडिया में ज्यादा के बालचरा और मस्टर्ड, इसके पोलन हम कलेक्शन करते हैं जिसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा होती है, ठीक है। वो पोलन अगर हम खाते हैं तो पोलन कैनर है, मैं ऐसे कहता हूं, आपने सिर्फ दो पिंच खाना है एक टीस्पून हनी के साथ में। आप ऐसे खाओगे तो आपको थोड़ा कड़वा और टेस्टलेस लगेगा, इसलिए मैं हनी के साथ में आपको कह रहा हूं। आपको खाना है उसको दो पिंच, तो आपकी बॉडी स्कैन कर लेगा, कम से कम 43 डिशेज के ऊपर पोलन अच्छी तरह से रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इंडियंस को पता नहीं है, इसलिए हमारे जैसे बीकीपर इसके अच्छे अच्छे कंटेनर बना लेते हैं, फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस में। और जब हम काफी बीमार गिर जाते हैं तो डॉक्टर हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट देते हैं कि ये फॉरेन की मेडिसिन है, वो फॉरेन की मेडिसिन कुछ भी नहीं होती है, वो पोलन की ही होती है। तो वही मेडिसिन से पोलन टैबलेट बनकर हमारे यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम लैक्सोट्रिपिन से फिर से लेते हैं और कंज्यूम करते हैं। पोलन खाना शुरू किया तो हमारी काफी सारी हेल्थ अच्छी तरह से सुधर सकती है। तो पोलन की वैल्यू वैक्स से भी ज्यादा है मार्केट में। इसके बाद मिलता है प्रोपोलिस। ये प्रोपोलिस नामक जो पदार्थ है, ये दिखने के लिए वैक्स जैसा है, लेकिन ओनली एपिस मेलिफेरा नाम की मधुमक्खी इसे जमा कर सकती है, ठीक है। ये एपिस मेलिफेरा जो है, मैंने बोला था कमर्शियल बीकीपिंग के ऊपर, तो उसमें से ये प्रोपोलिस मिलता है। ये गोंद है एक प्रकार का, और देखा गया है तो आपको सभी को पता होगा कि हर एक के बॉडी के अंदर कैंसर की पेशियां होती है, और जिस दिन वो एक्टिव हो गई उस दिन हम कहते हैं कि कैंसर हुआ मुझे, और भारत का प्रमाण धीरे धीरे हर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर की मेडिसिन बनाने के लिए प्रोपोलिस का यूज किया जाता है। इसलिए अध्ययन ऐसे भी हुआ कि जितने सारे बी कीपर्स काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू एपिस मेलिफेरा के साथ में गए, उसमें कैंसर का प्रमाण काफी काफी कम है। हाँ, अगर उसमें कुछ अदर प्रैक्टिस को बंदा कर रहा है तो उसके कैंसर के प्रमाण बढ़ सकते हैं, लेकिन इस कैंसर के मेडिसिन बनाने के लिए प्रोपोलिस का उसमें से हमें मिलता है। उसके बाद एक आता है रॉयल जेली, जिसके बारे में आपने शायद सुना भी होगा। रॉयल जेली या राजन नामी ताला मराठी मंत्र बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। सो हेक्सागन होते हैं उसके अंदर, सिंपल सी बात है, मम्मी के पेट के अंदर जब बच्चा रहता है एक लिक्विड होता है उसके अंदर बच्चा होता है, राइट। तो वैसे ही हमारे हेक्सागन के अंदर जब फिन अंडा डालती है तो एक लिक्विड होता है उसके अंदर, वो डालती है तो एक व्हाइट तरल पदार्थ होता है जिसको हम इजीली निकाल भी सकते हैं। वो अगर हमने निकाल खाया तो उसके काफी सारे फायदे बॉडी के ऊपर है। जितने भी सारे हमारे एथलीट्स है या बड़े बड़े लोग हैं वो इजीली उसका कंजम्पशन करते आ रहे हैं। मार्केट में उसकी वैल्यू इंडियन मार्केट में फिलहाल 65,000 रुपीज पर केजी हिसाब से क्या है, इतनी सारी वैल्यू है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, इसके बारे में काफी कम जानकारी है। इसके बाद बी वेनम आता है, जैसे कि स्नेक का वेनम निकालता है वैसे बी का वेनम भी कलेक्शन किया जाता है। भारतीय क्षेत्र, भारतीय हमारे भारत में काफी कम लोग, यानी ना के बराबर लोग काम करते हैं। 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टेंडर निकला हुआ था, और जिस टेंडर में बताया गया था हमें 1 लीटर वेनम चाहिए, और वो 1 लीटर वेनम बेस्ट वैल्यू उसकी बताई गई थी 1 CR पर लीटर, 1 करोड़ रुपया पर लीटर इंडियन गवर्नमेंट की वैल्यू थी। इंटरनेशनल मार्केट की आप बात छोड़ दो, ओपन मार्केट की आप बात ही छोड़ दो, तो एक पानी की बोतल जो हम 20 रुपए में लेते हैं अब गर्मी के अंदर, उतना भर के आपने वेनम दिया तो उसका 1 CR प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी। ये ओपन टेंडर था, आप कोई भी उसमें भर सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे मधुमक्खी पता नहीं तो हम इतने कब जाएंगे और कब काम करना शुरू कर देंगे, ये बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। और इजी प्रैक्टिस है, उसके लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, हम कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन, जिसके लिए दुनिया में कोई बीकीपिंग की जाती है। यहाँ पे गोवा में अगर कोई फार्मर्स है उसके फार्म में अगर मैं मधुमक्खी पर एकर रखूं, मैंगो का प्रोडक्शन 2.5 गुना बढ़ गया तो कितनी सारी आमदनी उसे बढ़ गई। यहाँ पे काफी सारी जगह पे आमची सवड़ी खूब फेमस है, सकाळी बोलताना चवड़ी ही फेमस आहे, आणि आम्ही आमची बऱ्याच ठिकाणी वापरात पण येते, पण त्या चवळीवरती आम्ही मधमाशा ठेवल्या पॉलिनेशनला, तर चवळीचं उत्पादन 4.5 पटीने वाढतं, 4.5 गुना प्रोडक्शन बढ जाता है। जितने भी सारे डाले हैं उसके बारे में, नींबू जितने हैं नींबू वर्गीय सिट्रस वराइटीज के, उसमें अगर मधुमक्खी का पालन किया तो 7.5 गुना उत्पाद बढ़ जाता है। 7.5 गुना उत्पाद बढ़ना यानी कम बात नहीं है, ये साइंटिस्ट ने ये चार्ट बना के दिया, आगे जाके इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए मधुमक्खी पालन होना चाहिए, पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी पालन होना चाहिए, तो वर्ल्ड में लोग पॉलिनेशन के लिए स्पेशली मधुमक्खी पालन करते हैं। अमेरिका का बादाम बहुत फेमस है, हम लोग अच्छे से वहां से मार्केट से लाके देखेंगे, अमेरिकन बादाम हमें चाहिए खाने के लिए, बहुत अच्छा है। क्या आपको पता है कि अमेरिकन बादाम के लिए बी कीपर्स को बुलाया जाता है, स्पेशली बड़े बड़े जो कंटेनर हम देखते हैं 40 फीट 50 फीट कंटेनर हम जो रोड के ऊपर देखते हैं, वैसे कंटेनर के ऊपर हम बी बॉक्सेस रख के लेके जाते हैं। अभी फिलहाल लास्ट ईयर में उसको $250 पर बॉक्स पर मंथ उसका पॉलिनेशन पर्पस के लिए उसको कॉस्ट मिला था। तो देखिए कितनी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में उसकी है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। आज की डेट में फिलहाल महाराष्ट्र में हम हमारा जो
पोमो है, पोमो के लिए हमारे पास लोग आते हैं, मैं पोमो के लिए भी बॉक्सेस रेंटेड बेस के ऊपर देता हूँ, मुझे 1000 से लेकर 2000 रुपीस पर बॉक्स पर मंथ के लिए मुझे रेंट मिलता है। केरला में फिलहाल प्रैक्टिस हो रही है कोकोनट के लिए, तो कोकोनट के लिए बी बॉक्सेस हमारे पंजाब से लेके बी बॉक्सेस वहां पर जाते हैं ट्रैवल करते हुए, और कोकोनट में हम लगाते हैं तो कोकोनट प्रोडक्शन डबल हो जाता है। तो ये धीरे धीरे भी प्रैक्टिस करना शुरू हुआ, लेकिन इसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। हनी, हनी की मार्केट आप अगर देखेंगे तो अलग अलग मार्केट, लिक्विड हनी जो हम बोतल में पैक करके लेते हैं, आज को आपको पता होगा आज भी मार्केट में हमारे पास हनी नहीं मिल रहा है, हानि मिल रहा है। सो जितने भी सारे लोग मार्केट में ला रहे हैं वो डुप्लीकेट हनी आ रहा है, ये मार्केट आ रहा है चाइना की तरफ से, अभी अभी चाइना वॉश आउट हुआ है कोरोना की वजह से, तो थोड़ा सा उसको बैरियर्स हुआ है, फिर भी प्रैक्टिस चल रही है। वाया नेपाल की तरफ से कुछ माल आ रहा है, कुछ माल इंडिया में भी बन रहा है, जिसमें हम देखा जाए तो कॉर्न सिरप, राइस सिरप, इसका उपयोग बड़े पैमाने पे करते हैं लोग। हमारे जैसे बीके पर काम करते हैं, हम क्या जो बनाता है ना वो बेच नहीं पाता, ये बहुत बड़ी बात हमारे यहाँ पे होती है। हर एक बंदा सेम प्रैक्टिस आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो मैं क्या देखूंगा, मैं आज यहाँ पे मैंने हनी बनाया, मैं हनी बीज लेके जाऊँ या हनी सेल करने के लिए मार्केट में जाऊँ, मेरा काम है बीज को लेके काम करना। सो मैं बीज के अंदर मैं प्रैक्टिस में रहता हूँ, तो मेरे पास कोई दलाल आ जाता है, कितना हनी है परेशान भाई, इतना इतना है, चलो 60% भी देता हूँ, 40% बाद देता हूँ, मैं हनी दे देता हूँ उसे। फिर उसका आगे जाके क्या होता है आपको पता शायद नहीं होगा, मैक्सिमम हनी ये एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि भारतीय लोग मधु नहीं खाते हैं, हम हनी खाते हैं, हमें ब्रांडेड जो मार्केट में मिलता है इजिली उसकी उसकी हमें वैल्यू पता है। क्योंकि देखिए हमें दादी ने क्या कहा था, हनी खाने से आपका कफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो हम दबा करके देखते हैं, हम इसे फूड करके नहीं देखते। काफी बड़े बड़े कंट्रीज में वहां पे उसको फूड करके देखा जाता है, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक हनी का उपयोग किया जाता है, अलग अलग रेसिपीज में उपयोग किया जाता है। अभी धीरे धीरे जैसे हैदराबाद की बिरयानी के साथ में आपको हनी शायद पेश होता होगा, अभी ये प्रैक्टिस शुरू हो गई है, लेकिन आज भी लोग यहाँ पे फूड की इसमें हनी काफी कम यूज करते हैं या खाना भी कम पसंद हम करते हैं। आगे के मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे एक बंदे का अगर हमने सर्वे किया है तो एक बंदा सालाना एटलीस्ट 0.5% कुछ हनी खाता है, और जर्मनी का लोग जो व्यक्ति है वो 11 किलो हनी सालाना खाता है, तो कितना बड़ा गैप है आप ये देखिए। इसलिए यहाँ की जो अगर उम्र देखा जाए तो 50 के आसपास होती है, उसके ऊपर बोनस है, वहां की 80 प्लस है, तो इतना बड़ा गैप इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये हनी है, हनी में ये आता है, ये फ्रेम है हनी की फ्रेम जो सुपर में से हम निकालते हैं। मैं फिलहाल इसका मुंबई के एयरपोर्ट के बाजू में द लीला होटल है उसमें मैं गया था ये फ्रेम को मार्केट करने के लिए, एक एक 1.5 किलो की फ्रेम थी, उसका मुझे कॉस्ट मिला 3000 रुपीस। अगर आप ये फ्रेम सीधा डायरेक्टली जाके अगर कस्टमर को देता हूँ 3000 रुपया आज मुंबई मार्केट में इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं कर पाएगा, ये हनी बिजनेस सील किया हुआ है, लिक्विड में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप अलग अलग टाइप के आप मार्केटिंग कर सकते हैं, हनी कॉम करके आप मार्केट में आप दे सकते हो। अगर आपने गूगल में सर्च किया तो इसके बारे में काफी सारी जानकारी मिलेगी, बहुत बड़ा मार्केट है इसके बारे में। ये हमारी कुछ पिक्चर्स है, देखा ये ऊपर आपको जो दिख रहा है ये फ्लोरिया का है, फ्लोरिया का एक फोटो मैंने दिखा रहा था, उसका एक फोटो है, बीच में रॉक बीज का है, नीचे आपको ये फ्रेम दिख रही है, ये सुपर की फ्रेम है मैंने हनी निकाली थी। ऊपर आपको जो नीले ड्रम दिख रहा है ये हम एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, अराउंड 300 किलो के बैरल में हम 280 के आसपास किलो हनी डाल के उसको 4 ड्रम का एक ये बना के उसको एक्सपोर्ट करते हैं गाड़ी में। नीचे ये मेरा एपेरी का फोटो है, वहां पे सारिका बैठी हुई है, हम लोग जब प्रैक्टिसेस करते गए, कमर्शियल प्रैक्टिस होती है टेंट पे होती है, हम यहाँ पे राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर 4 महीने के लिए घर तो नहीं बांध सकते हैं, तो हमें टेंट पे रहना पड़ता है, तो टेंट में ही पीछे की तरफ हमारा छोटा सा किचन होता है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, राइट हैंड साइड पे सारिका जहाँ पे बैठी है वहां पे हमने बैठने की व्यवस्था की है, सोने की व्यवस्था की है। तो यहाँ पे आपको जो ड्रम दिख रहे हैं वो कलर के ड्रम नहीं है, हनी के ड्रम है, आपने देखा हो मार्केट में इतने सारे ड्रम कलर्स के आपको दिखते हैं 30 kg के आसपास, उसमें हम 28 से 30 किलो हनी की डेंसिटी कितनी है उसके ऊपर उसका स्टोरेज होता है, 28 से 30 किलो हम भरते हैं। ये मेरे स्टॉक मैंने वहां पे जमा किया था राजस्थान के झालावाड़ में, वो मुझे लगता है 4.5 महीने के अंदर मैंने ये सभी हनी मैंने कलेक्शन किए हैं। जब मैंने ट्रक लोड किया तो मुझे उसकी मार्केट वैल्यू हुई 80 लाख रुपीस। अगर 3-4 महीना में मार्केट में वहां पे जाके जगह में बैठता हूँ और 80 लाख का मुझे हनी मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया देश को कुछ अलग सी जरूरत है, यूथ को अलग सी जरूरत है कुछ कहीं जाने की, वो इजिली की काम कर सकते हैं। तो इतना सिंपल सा, बस आपको जंगल में जाना पड़ेगा, आपको फार्म में जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा घर छोड़ के थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, 8 महीना सिर्फ काम करना है, आपको मिलना, बट ये आपको करने के लिए इच्छा होनी चाहिए अंदर से, तो ये आप काम डेफिनेटली कर सकते हैं। ये मेरी अपील का फोटो है, ये राजस्थान में हमने ये फोटो इस तरह से कमर्शियल बीकीपिंग किया जाता है कि जहां पर अपील लगाते हैं, ये देखा जाए तो देखो कितने लंबे तक हमने लगा लिया, तो मेरे अलग अलग एपेरी चलती है जिसमें 1200 की एक एपेरी है, 300 की एक एपेरी है, तो एपेरी के ऊपर हमारा प्रोडक्शन ये होता रहता है। ये फोटो मैंने
थोड़ा जूम करके आपको दिखाया, सारिका बेटी ये संक्रम लगाया हमने, पीछे की आपको बी बॉक्सेस दिख रहे हैं, वहां पे हमारा किचन है छोटा सा, वहां पे हमारा किचन का हम डेली दो टाइम का खाना बनाते हैं, टेंट में देते हैं, यहाँ पे सोते हैं और फिर हनी जमा करते हैं। और ये गवर्नमेंट का ऑथोराइज बिजनेस है, अगर आपने एक साल प्रैक्टिसेस बार बार किया तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको रजिस्टर किया जाता है, साथ में आपका बीमा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, 1 लाख का आपको एक भी रुपया नहीं दे रहा है, खुद बीमा आपको उठता है, आपके पास एक लाइसेंस मिल जाता है, जिस लाइसेंस के तौर के ऊपर आप भारत के कोई भी जंगल में या कोई भी स्टेट में आपको वेलकम किया जाता है, क्योंकि आप मनुष्य को जिंदा रखने के लिए आप पॉलिनेशन करते हो, यील्ड बढ़ाने के लिए आप काम करते हो, आप एक अच्छा काम करते हो, तो भारत सरकार आपको प्रमाणित करती है आप प्लीज आइए वेलकम, आपको ये राज्य में आइए, आपको ये पॉलिनेशन कीजिए। तो इस तरह से ये इजी है। वैक्स के बारे में हमने कहा था कि ये वैक्स है, बी वैक्स जो कैंडल हम बोलते हैं वो कैंडल नहीं है, ये अलग सी कैंडल है, मोम पत्र की ये मैंने बनाई थी, वैक्स शीट की मैंने ये कैंडल बनाई, उसका एक फोटो है। वैक्स अलग अलग टाइप के वैक्स थे, ब्लैक वैक्स से लेके प्योर व्हाइट तक आता है, वैक्स की क्वालिटी के हिसाब से उसकी मार्केट होती है। तो मैंने कहा था जैसे शू पॉलिश से लेके कार्पेट पेपर अभी कोई यूज नहीं कर रहा है, बट शू पॉलिश से लेके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तक और मेडिसिन इंडस्ट्री तक वैक्स की वैल्यू, आप कितना फाइन और अच्छा वैक्स आप देते हो मार्केट में, उसी तरह से आपको इसकी कॉस्ट भी मिलती है। लेकिन मैक्सिमम वैक्स हम हमारी इंडस्ट्री को लगता है, क्योंकि हमें आपको जब ट्रेनिंग में आपको बता दिया, हम लोग वैक्सीन हम बनाते हैं, इसकी वजह से हमारा कोम जो है हनी कोम वो तुरंत फास्ट प्रोडक्शन होता है, मुझे हनी ज्यादा मिलता है। तो ये अलग अलग वैक्स की प्राइसेस आपको ये पोलन मैंने कहा था ना, ये पोलन बास्केट्स जो देखिए इस चित्र में आपको दिखाया जाए, येलो कलर का ऑरेंज कलर का पोलन 20 अभी लेके आई है, जैसे वो एंटर कर दिए गेट के अंदर से, ये पोलन इस तरह से हम पैक करके मार्केट करते हैं, लोकल मार्केट में फिलहाल भी आना शुरू हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है। ये पोलन है, ये भी पोलन यूज करके आप खुद खा सकते हैं। प्रोपोलिस के बारे में हमने ये छोटे छोटे गोले बना के रखे हैं और हम इसे मार्केट कर देते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी इंडियन मार्केट भी इतना नहीं है हमें, तो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको हम बेच देते हैं। सीधा रॉयल जेली जिसके बारे में अभी कहा था, ये आपको दिख रहा है लार्वा है, लार्वा आपको व्हाइट मिल्किश आपको जो दिख रहा है वो रॉयल जेली है, आपने खाया उसको तो काफी सारे प्रॉब्लम के ऊपर फायदेमंद है ये, तो इसको खाना ये बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन ये निकाल के स्टोर करने के लिए हमें माइनस डिग्री में स्टोर करना पड़ता, तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स फिलहाल गवर्नमेंट के पास से भी हमें नहीं मिल रहा, ना हमारे पास कुछ अवेलेबल है, तो इसके लिए फिलहाल तो हम खुद खाते हैं और जो भी मिलता है एक्सपोर्टर जो आता है उनको पूरा इक्विपमेंट साथ में लेके आते हैं, तो उसमें स्टोर करके हम बेच भी देते हैं। तो ये भी काम फिलहाल कुछ भी दिवस इंडिया में कर रहे हैं। लोग आते हैं मधुमक्खी कटवाने के लिए, मधुमक्खी का डंक लेने के लिए, तो मधुमक्खी का डंक लेने से आपको पैरालिसिस, सोरायसिस, आधा सर दर्द करना, माइग्रेन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये परमानेंटली आप ठीक कर सकते हो, इतनी ताकत वेनम में होती है, लेकिन उसके लिए आपकी पढ़ाई होनी चाहिए ह्यूमन बॉडी के बारे में, स्टिंग थेरेपी के बारे में। तो ये अगर आप करते हो तो इस तरह से प्रैक्टिसेस भी आज शुरू हो गई है, जर्मनी जैसी कंट्रीज इसके लिए क्या बोलते हैं इसको प्रमाणित करती है, अभी तो भारत सरकार ने इसको प्रमाणित नहीं किया गया, और देखा गया तो हमारे पुराने ग्रंथों में इस थेरेपी का काफी सारा ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हम इसको आगे नहीं लेके गए, लेकिन हमारे ज्ञान लेके चाइना और जापान ने बी क्लिनिक्स ओपन भी कर चुके हैं और वहां पे भी ये प्रैक्टिस हो चुकी है। इजीली जो काम होता है तो हम केमिकल की तरफ जा रहे हैं और हमारा जो मेन ज्ञान था उसको हम भूलते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसको पुनः पुनर्जीवित करने की संभावना है। और सबसे बड़ा है पॉलिनेशन, जितना आप पॉलिनेशन के लिए काम करोगे उतना ज्यादा फायदा खुद के लिए होगा और फिर पूरे हमारे देश के लिए होगा, पूरे वर्ल्ड के लिए होने वाला है। ठीक है, हाँ आता मधा से प्रकार, कल आपने शायद हमारे शॉल के ऊपर भी कुछ लोग आए थे, हनी के टाइप्स कितने होते हैं इसके बारे में एक छोटा सा ये है, मैंने बाहर हनी भी रखे हैं वहां पे, हमारे दोस्त वहां पे खड़े हुए आप देख सकते हो, जिन्होंने नहीं देखा है वर्ल्ड में देखा है, तो हनी के टू टाइप्स काउंट किए जाते हैं। एक है जब हम कमर्शियल इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें दो टाइप के हनी के बारे में हमें बताना पड़ता है, एक तो है मल्टीफ्लो हनी। मल्टीफ्लो हनी मीन क्या है कि काफी सारे फ्लोर से मधुमक्खी ने जमा किया हुआ हनी है, और कुछ हनी ऐसे होते हैं कि मोर देन 80% से भी ज्यादा उसका सोर्स होता है। मल्टीफ्लोरा में देखा जाए तो अलग अलग टाइप के भी हनी होते हैं, जिसकी शेड कलर्स अलग अलग होते हैं, कलेक्शन अलग अलग होता है, उसकी मार्केट वैल्यू अलग है। यूनिफ्लो हनी में अगर देखा जाए तो बिशप रीड, अजवाइन, जामुन, लीची, नीलगिरी, ऐसे सनफ्लावर, मस्टर्ड, इन फूलों का हनी यूनिफ्लो हनी में काउंट किया जाता है, उसकी मार्केट्स भी अलग अलग है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलग अलग है। ठीक है, तो काफी सारे अलग अलग फॉरेस्ट में भी काफी अलग मिलते हैं, बबुल का हनी मिलता है हमें, आपको नीम पता होगा, नीम तो नीम का हनी भी हमें हम कलेक्शन करते हैं। कुरुंजी का केक मुझे हनी मिला था, उसकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा थी और मुझे अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला था। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के हनी आप दे सकते हैं। हनी क्यों यूज करना है तो उसके बारे में कुछ छोटे से बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने, एक तो है वेट गेन,
और फैट लॉस, इसके लिए मैक्सिमम लोग यूज करते हैं इसको, हनीकॉम्ब यूज होता है, इम्यूनिटी बूस्टर्स करके, क्योंकि आप अगर देखेंगे कोरोना के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमारी आयुष मंत्रालय ने ये डिक्लेयर भी किया था कि प्लीज आप नैसर्गिक मधु का खाना शुरू कीजिए, आपका ये इम्यूनिटी बूस्टर करके जो काम करेगा तो प्रतिकारक क्षमता आपकी बढ़ा देता है हनी, इसके लिए हनी हमें कंटिन्यू खाना चाहिए। कफ एंड कोल जिसको हमने हमारे आयुर्वेदा में काफी सारे बारे में कहा है, कफ एंड कोल के लिए हनी आपको अच्छा है, ये आपकी जख्म जो होती है उसको भरने के लिए हनी काफी सारा काम कर रहा है। मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ बैंडेज बनाने की, स्पेशली फॉर डायबिटिक पर्सन के लिए, अगर कटता है तो जल्दी वो भरता नहीं है, इसके लिए अगर हम बैंडेज के बनाएंगे तो काफी सारा फायदा हो जाएगा। तो कभी भी आपको कटता है हम हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगाने से अच्छा भी आपने हनी लगाया तो आपकी वो जलन भी कम कर देगा, तुरंत जख्म भर भी देगा। स्टमक प्रॉब्लम जो होते हैं उसके लिए हनी का उपयोग काफी अच्छा हो सकता है, हड्डियों को मजबूत करना इसके लिए भी हनी को यूज किया जाता है, और ब्लड को बढ़ाने के लिए भी हनी का उपयोग अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हनी में क्या क्या होता है, फैक्टर्स हनी के क्या क्या है ये देखेंगे, आपको पता चलेगा। ये सब जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि मम्मी के मिल्क के बाद हनी की वैल्यू उतनी मार्केट में है, और देखा गया तो हनी ऐसा पदार्थ है, एक ही पदार्थ है जो हमारे खून में जल्दी मिल जाता है, इसलिए आयुर्वेदा में कोई भी दवा हनी के साथ आपको बोलते हैं कि उसकी मात्राएं यानी उसका जो इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, 10 गुने तक उसको बढ़ा देता है, साथ में जल्दी घुल जाने से आपको इसके रिजल्ट दिखता है। तो ये हनी के अंदर के न्यूट्रिशंस के बारे में लिखा है। अभी ये कमर्शियल बीकीपिंग के बारे में हम जानेंगे कि क्या, क्योंकि ये क्षेत्र भी काफी सारा बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे कहा था 47 टाइप के बिजनेस दिखते हैं, जैसे कारपेंटर है कोल्हापुर का और ये काम कर रहा है, तो ये कारपेंटर जैसे बक्से बना सकता है और बी बॉक्सेस बना के उसको मार्केट करना, ये भी बहुत बड़ा काम हो सकता है और इसकी वैल्यू बढ़ती है। देखिए कितने बॉक्सेस की जरूरत है फिलहाल, देखा गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जैसे एक सर्वे किया था जिसमें देखा गया कि 4 लाख बी कॉलोनीज अभी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, लेकिन नीड कितनी है तो 200 बिलियन बी कॉलोनीज की नीड है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम इसमें से हो सकता है, ठीक है। तो ये है, और दूसरा यह है बी ब्रीडिंग करना, बी ब्रीडिंग करना ये भी बहुत बड़ी नीड है। हमारे काफी सारे डिपार्टमेंट है जिनको मधुमक्खी की कॉलोनियां लगती है, फार्मर्स को देना है हमें या बी कीपर्स को देना है, तो उसके लिए कॉलोनी तो बी ब्रीडिंग होता नहीं है, तो हमारा खुद का बी ब्रीडिंग सेंटर है। अब इसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, एक क्वीन बीस क्या वर्कर बीस, आप माछी साफ बोलते ना, काड़ी पेटी दोनों टुकड़े कराए थे, एक रानी माछी, एक रानी मधुमक्खी, 4 वर्कर बीस और थोड़ी 2 बूंद शहद उसमें डालो, पैक करो और एयरपोर्ट पे जाके भेज दो मार्केट में, 5.5 रुपये मिलता है उसका, एक स्ट्रिप बना दो बस उसको आप बेच सकते हो, इतनी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में है। बस आपको वो परफेक्ट वो अंडे के ऊपर आ गई कि नहीं उसके सर्टिफिकेशन के साथ में आपको अगर आप देते हो तो मार्केट में ये वैल्यू है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो मुझे अगर मेरी क्वीन बीज अगर मर जाती है प्रैक्टिस करते हुए तो मुझे दूसरी क्वीन बीज लानी है, एक तो मैं खुद ब्रीडिंग करूंगा नहीं तो दूसरी कॉलेज लाऊंगा, तो मुझे 5.5-600 रुपये देना पड़ता है एक बीज का, तो इतनी मार्केट में वैल्यू है। तो हम इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे ब्रीडिंग, मधुमक्खी बनाना उसको बेचना, ये भी बहुत बड़ा काम है। हनी मत करो, आप ओनली बीज बना के बेचो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे जो है वो आपको वेलकम करते हैं कि प्लीज आप सप्लाई करो हमें, क्योंकि हमें फार्मर्स को देनी है, हमें कॉलोनीज बढ़ानी है, ये एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। क्या होता है मधुमक्खी से अगर मैं मेरे फार्म में रखता हूं, तो कुछ 4 आपके सामने है, मस्टर्ड, सूरजमुखी है, बरसिंग है, कॉटन है, कॉफी बीन्स है, अलग अलग प्रकार के हमें दाने हैं, इसका प्रोडक्शन आपने देखा तो ये 2x से 4x से लेके 21x तक उत्पाद बढ़ा देता है। मुझे लगता है फार्मर ने इसके लिए करना चाहिए मधुमक्खी पालन, ना कि हनी के लिए, ठीक है। तो आज यहाँ पे जो भी फार्मर यहाँ पे बैठे हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि मेरे पास कितना फार्म लैंड है, उसमें मैं क्या क्या लेता हूँ, तो कितने भी बॉक्स लगा सकता हूँ और मधुमक्खी को क्या क्या फायदेमंद है, उससे मधुमक्खी भी जिंदा रहेगी और मेरा फार्म का यील्ड भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें ये सोच के हमारे क्रॉप भी हमें देखने पड़ेंगे। ये कुछ हम देखते हैं इस तरह की एप्पल के बारे में देखा गया, तो जब कोरोना शुरू हुआ था तब हमारी कॉलोनी यानी बी के पास की इंडियन बी के पास की कॉलोनी जा करके नॉर्थ की तरफ जाती है, इस सीजन में हम वहां पे गए थे, कोरोना शुरू हुआ था, कुछ भी गाइडलाइन नहीं मिल रही थी हमारे से, लोग एक ट्रक भी नहीं चला सकते, आपको पता कोई भी बाहर नहीं था उस टाइम में, तो हमें गाइडलाइन न मिलने के कारण मेरे खुद की 350 बी बॉक्सेस एक जगह मर गए, क्योंकि पॉलिनेशन खत्म हुआ था वहां का, मुझे कॉलोनी उठानी थी और मुझे एप्पल के लिए मुझे बेचनी थी, क्योंकि जब तक एप्पल का फ्लावर आ जाता है एप्पल के अंदर हनी नहीं मिलता है, बट एप्पल जो बागायदार है वो हमें कॉल करते हैं पॉलिनेशन पर्पज के लिए, मुझे एक कॉलोनी का 800-900 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का उसका पॉलिनेशन का एक महीने का भाड़ा मिल जाता है। अगर मेरी 350 कॉलोनी वहां पर चली जाती थी तो उस टाइम में कितना सारा एप्पल का प्रोडक्शन मिल जाता। आज भी आप शाम को आप जाके गूगल कीजिए, उस टाइम का रिकॉर्ड है 33,000 करोड़ का नुकसान इंडियन गवर्नमेंट का होता, एप्पल एक्सपोर्ट नहीं होता इसकी वजह से,
तो प्रॉपर टाइम के ऊपर एप्पल के लिए पॉलिशिंग के लिए मधुमक्खी पहुंची नहीं, फिर ये सब कुछ लॉस हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें ये गाइडलाइन दी कि प्लीज आप बी कीपर हैं तो इनको बाबा मूव करो, उसको रखो मत, और कॉलोनी भी हमें खत्म हुई। उसके बाद आपने देखा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार 500 करोड़ का प्रावधान किया था मधुमक्खी पालन के लिए, जिनकी लॉसेस हुए उसे तक मिला नहीं, वो बात छोड़ दो, बट इस तरह से अभी भी गवर्नमेंट देख रही है कि मोटिवेट करिए प्लीज आप काम करना शुरू करो, इस तरह से फायदा है। इसलिए हमें मधुमक्खी पालन करने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसमें सभी है, देखिए ये पेरुआ है, मौसमी है, संतरा है, लीची है, नाशपाती है, हर एक अभी एक छोटा सा चार्ट है, तो हर एक का प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है आप ये देखिए, तो दुगुना तीगुना 21 महीने तक देखा। हाँ, एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की क्षमता फिलहाल क्या है, तो अभी जो सर्वे तो उसमें दिखाया गया 5 लाख वर्ग की कॉलोनी हमारे पास रजिस्टर्ड है, लेकिन इसमें से कितना निकला 40 केजी पर बॉक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास इतना हानि मिल जाता है, जिसमें से 2900 टन हनी हम एक्सपोर्ट करते हैं, और देखा है तो भारत में एक व्यक्ति 0.7 ग्राम हनी सालाना खाता है, 0.7 ग्राम हनी सालाना खाता है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में 11 किलो हनी पर पर्सन पर ईयर खाता है। तो कितना बड़ा गैप है देखिए, तो यहाँ पे एक तो कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, साथ में एक्सपोर्ट तो है, इसकी अपॉर्चुनिटी है, तो हमारे इंडियन हनी को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो दोनों काम हमारे पास है, बहुत बड़ी संधि है हमारे पास में। तो एक चार्ट आपके सामने है, तो ये जागतिक परिस्थिति इसमें देखा है, तो कॉमन में आपको बताऊं सब कुछ मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। आज भी पूरी दुनिया में चाइना नंबर वन है, इतना हो जाने के बाद भी बहुत बड़ा देश होने के कारण वो बहुत बड़ा हनी प्रोडक्शन भी करता है, साथ में कॉलोनीज भी उसके पास जाता है, डुप्लीकेट हनी के लिए भी नंबर वन है आज भी, और लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में उसका माल काफी कम जा रहा है। हनी अगर देखा जाए तो भारतीय हमारा भारत का नंबर 57 नंबर था, आज हम 7वें नंबर पे आ गए हैं। 2 साल पहले की हमारी मार्केट वैल्यू समझ लो 100 रुपीज है, तो आज 200 से 225 के आसपास मार्केट वैल्यू गई है, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग उसके पर कुछ काम आज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रोजेक्शन चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ 2021 का, इसमें अगर देखा जाए तो देखिए कि कोविड का जो परिणाम हुआ था उसमें भारतीय उद्योग हमें फायदा हुआ, बीकेपी इंडस्ट्री को फायदा हुआ, चाइना वॉशआउट हुआ था, इसके बारे में मैंने लिखा है। हम 19 नंबर पे थे, 7वें नंबर पे आ गए, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी जो डिमांड है वो क्रिएट हो गई है, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फिलहाल आज की डेट में दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है, 2021 का ये एपेडा का डाटा है, आज गूगल के ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा, एपेडा आपको पता होगा जो हम जो भी हम खेती के उत्पाद लेते हैं उसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी एपेडा उसके थ्रू से हमें जाना पड़ता है। अगर हनी के बारे में हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने उस साल में ईशान्य प्रदेश जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र है यहाँ से हमने काफी सारा हनी कलेक्शन किया था, और जिसमें से हम देखा जाए तो इतना हनी हमने मेट्रिक टन हनी हमने पूरा कलेक्शन किया था, और 2021 में 716.13 करोड़ रुपीज का हमने यूएस डॉलर का हमने सेल किया है मार्केट में, और कहां पे गया है वो तो यूएसए, सऊदी अरब, यूएस अरब, इमराती, बांग्लादेश एंड कनाडा, यहाँ पे ये मेजर कंट्रीज है जिन्होंने हमारे यहाँ से हनी लिया है। बांग्लादेश जिसकी जीडीपी हमारे से भी ज्यादा है तो वो हमारे पास से हनी परचेस करता है। देखिए फिर किस तरह से ये मार्केट जा रहा है, क्या हम कर रहे हैं, ये देखिए, आप जाओगे गूगल के ऊपर तो आपको ये एपेडा के साइट के ऊपर तो आपको ये मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटी बहुत है लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं, ये संधि भी तुम्हारी क्या समझ लो अनटच एरिया है, ये अनटच एरिया आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें है। राष्ट्र के लिए परागीभवन की मोहित करना बहुत ही जरूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हमें खाना देना है तो हमें आज से काम करना जरूर पड़ेगा। इंटरनेशनल स्तर के ऊपर इसकी डिमांड काफी सारी बढ़ रही है, 200 मिलियन कॉलोनी की जरूरत है हमारे पास, और देखिए 3.4 मिलियन कॉलोनी हमारे पास अवेलेबल है, भारत मध्ये आपल्याला 200 लक्ष कॉलोनी की गरज आहे, ही फार मोठी संधी आहे आणि यहाँ पर ही काम करायला हवं। ह्याच्यामुळे काय की कृषी उत्पन्नाचं घटत चाललंय, जर तुम्ही मधमाशा सांभाळल्या नाही तुमचं ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन हे डाऊन होत जाणार आहे, त्यामध्ये कळण्यासाठी की मला मधमाशा आतापासून ऍक्टिव्ह व्हायला पाहिजे, मधमाशांमध्ये असा एक भीती जी आहे, हमें जो डर लगता है मधुमक्खी पर मधुमक्खी काटती है और फिर हम मर जाएंगे ये होगा वो होगा, तो भीति जी है तुमची की तुम्हारा बाजूला करायला पाहिजे, आणि मधमाशांना वैज्ञानिक पद्धतीने साइंटिफिक की आमची गवर्नमेंट आम्हाला शिकवत आहे, आमच्या या ठिकाणी मोठ्या इन्स्टिट्यूट गवर्नमेंटच्या ठिकाणी शिकणं गरजेचं आहे, की आमच्याकडे ज्या ऑथराइज इन्स्टिट्यूट आहे त्यांच्याकडे ट्रेनिंग घेणं अत्यंत गरजेचं आहे, आणि सातत्याने पाठवा, 4 दिवसाचा ट्रेनिंग करून 4 दिन का ट्रेनिंग लेके मधुमक्खी पालन नहीं किया जा सकता है, तो बार बार उसके पीछे फॉलोअप लगना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था हम कम से कम आगे के 3 साल 5 साल का एक एक्शन प्रोग्राम बनाएंगे स्पेशल फॉर गोवा के लिए,
हमें क्या करना, आज मैंने सिर्फ जानकारी ली, क्या मुझे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो आज हम जाते वक्त मुझे ट्रेनिंग लेना है, कितने लोगों को लेना है, उन्हें नाम देने चाहिए, फिर कहाँ पे लेना है उसको हम फाइनलाइज करेंगे, गवर्नमेंट के हमारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, इस इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम किया जाएगा। इसके बाद कॉलेज लेने को कौन सी कॉलेज लेनी है, बी कीपिंग माइनॉरिटी बी कीपिंग के लिए कितने लोग जाएंगे, स्थानिक लेवल के ऊपर हमें काम करना है तो सिद्धांत को लेकर कितने लोग काम करने वाले, रॉबीज को काम लेके कितने करने वाले, अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए कितने यूथ आएंगे, ये सब कुछ हमें करना है। हमें देखना भी पड़ेगा कमर्शियल बीकीपिंग किस तरह से होता है, तो टूर पे जाना है, देखने के लिए जाना है, ये शैक्षणिक स्थल अपन मोड़ गया तो किती लोग जाता है त्याला त्याची एक यादी करा, त्या लोकांना प्रत्यक्ष जाऊन जाऊन दाखवा, खरंच मध्ये त्यात का साऊंड सारे जातो तो फोटो खरंच आहे का, त्यामुळे दिन में हम सुबह में जब हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती की सुबह 8:30 बजे तक बीकीपर कोई भी कमर्शियल बीकीपर है वो 8:30 बजे पूरा फुल खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद 9 बजे के आसपास तो हम जो बीफेल होती है वो डाल देंगे और मक्खी के अंदर घुस जाएंगे। मक्खी यानी आपने जो कॉलोनी देखी 200-250 कॉलोनी एक टाइम होती है, हमारा दिन का टारगेट होता है 250 कॉलोनी से 300 कॉलोनी पर डे ऑपरेट करना, उसमें प्रैक्टिस वो भी रहेगी, हनी निकालना या उसको ऑपरेट देखना है, फेल देखनी यहाँ की वहां की या ब्रीडिंग करना, ये सब कुछ इसमें सब कुछ काम आ जाते हैं। लेकिन 9 बजे हम जब अंदर जाते हैं तो 5:30 बजे ही बाहर आते हैं, हम बीच में नहीं आ सकते, अगर हम बीच में बाहर आ गए आराम करने के बाद जाने की कोशिश की तो मधुमक्खी अंदर नहीं लेती, तो ये प्रैक्टिस और हम टाइम नहीं जाएगा, हम टाइम कवर नहीं कर पाएंगे। तो सुबह खाना खाने के बाद अंदर जाओ, फिर हनी निकालो तो हनी निकालते रहो, शाम को 5:30 बजे आ जाओ, हाथ मुंह धो लो, खाना पका लो, खा लो, सो जाओ, फिर से हमारा दिन शुरुआत होती है। तो ये बी कीपर्स इंडिया में इस तरह से प्रैक्टिस करता है, तभी इतनी सारी मेहनत करने के बाद इतना सारा हनी हमें मिल जाता है और पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो ये सब कुछ है, ये लोगों के अंदर ये बताना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह से प्रैक्टिस होती है, वहां पे आप लेके जा सकते हो, अलग अलग ट्रेन को हम ले सकते हो, जिनको हमने बॉक्सेस दिया है सिर्फ बॉक्सेस देके नहीं होगा, उसका फॉलोअप भी लेना चाहिए। यहाँ पे देसाई सर बैठे हैं, यहाँ पे कल मेरे से बात कर रहे थे कि मेरे पास मैंने 2 कॉलोनी ली है मेरे पास, और मेरे पास 2 कॉलोनी से मैं 250 किलो हनी निकाल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, आपकी पोटेंशियल है 8 से 10 किलो की, यानी यहाँ पे आपको चार्ट पे नहीं दिखाया था, लेकिन क्या हो रहा है वो मुझे बोल रहे हैं मुझे ब्रीडिंग सीखना है, अब ब्रीडिंग कहाँ पे सिखा गया उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ जो अभी फार्मर की नीड आएगी हमें जॉट डाउन करना पड़ेगा, और क्या क्या करना है किस तरह से करना है, ये 3 साल के अंदर हमें अगर हम करेंगे फॉलोअप लेके तो मुझे लगता है कि गोवा का हम सिनेरियो अच्छी तरह से हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरा कहना जितना था उतना खत्म हुआ है। मला असं वाटतं की मधमाशांचा आपण आभार मानायला पाहिजे, कारण आपण त्यांच्यामुळेच जगतो आहोत आणि आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून हे काम केलं पाहिजे। थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच। हा माझा फोन नंबर आहे आणि आता मी तुमच्याकडे ओपन करतो की काही तुमचे प्रश्न असतील मनात आपके अंदर मन के अंदर कुछ सवाल रहे तो उसके ऊपर चर्चा करें। जी सर, अपना वेस्टर्न घाट जो है पश्चिम फॉरेस्ट रेंज है तिथे नेचुरली फ्लावर्स एका सीजन मध्ये होतात।